रेफ्रिजरेंट R32 की गैस चार्जिंग। एयर कंडीशन में रेफ्रिजरेंट चार्ज करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि सिस्टम में गैस की कमी हो। गैस की कमी का सीधा सा मतलब है कहीं ना कहीं से गैस लीक हुआ है। गैस लीकेज की लोकेशन को जानने के लिए हमें ड्राई नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे हम लीकेज को आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो आइए सीखें कि किस प्रकार से रेफ्रिजरेंट R32 की गैस चार्जिंग की जाती है। क्योंकि ये गैस फ्लेमेबल है, इसलिए हमें सुरक्षा की दृष्टि से हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस जगह पे गैस चार्जिंग करने जा रहे हैं वह जगह पर क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए जिससे कि हम आग लगने की दशा पर उसे बुझा सकें। दफ्ती अथवा जिन चीजों से आग बढ़ सकती है उन चीजों को काम करने की जगह से हटा दें। उचित टूल का इस्तेमाल करें, जैसे नाइट्रोजन, डबल गैस का रेगुलेटर, गेज मैनिफोल्ड, वैक्यूम पंप और इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल। सबसे पहले लीकेज आइडेंटिफाई करने के लिए 150 PSI नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेंगे। कंप्रेसर के कनेक्शन को और पावर सप्लाई को सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर देंगे। ऐसा ना करने पे कंप्रेसर ब्लास्ट हो जाएगा। साबुन की झाग का इस्तेमाल करके लीकेज को ढूंढेंगे। लीकेज मिलने पर नाइट्रोजन को सिस्टम से रिलीज करेंगे और लीकेज पॉइंट पे ब्रेजिंग करेंगे। यदि पार्ट में लीकेज है तो पार्ट को बदल देंगे। टू स्टेज वैक्यूम पंप की मदद से सिस्टम को वैक्यूम करेंगे, जो कि -30 इंच HG तक होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि वैक्यूम पंप का समय समय पर ऑयल बदला जाए। वैक्यूम की पुष्टि के लिए उसे 5 मिनट के लिए होल्ड पर रखेंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि हमारा वैक्यूम टूटा तो नहीं है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल की मदद से बाई वेट गैस चार्जिंग करेंगे। कभी भी सिस्टम को रन करा करके गैस चार्जिंग नहीं करना चाहिए।